हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे काले चावल की खीर की रेसिपी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें। तो ये चावल भले ही काली है बट इसकी खासियत बहुत है। जैसे कहते हैं ना, जिसकी सूरत नहीं होती उसकी सीरत होती है। तो चलिए इसकी खीर बनाते हैं। दूध लेंगे हम और पहले हम पानी के साथ इसको पकाएंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे, बस 5-6 इलायची और तेज़पत्ता। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम चावल को अच्छी तरह से धो लेंगे और फिर हम एक प्रेशर कुकर लेंगे। इसमें एक चम्मच भर के घी ऐड करेंगे, देसी घी। और घी को मेल्ट होते ही हम तेज़पत्ता और इलायची क्रश किया हुआ डाल देंगे। फिर हम चावल को डाल देंगे। चावल को डालकर इसे अच्छी तरह से चला लेंगे, स्टर कर लेंगे हल्का सा कुछ सेकंड के लिए। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। उतना ही पानी ऐड करेंगे जितना कि हमारा चावल है, उसी के अकॉर्डिंग पानी ऐड करेंगे। और इसे पकने के लिए हम ढक्कन लगाकर 5-6 सीटी लगाएंगे इसको, क्योंकि ये लेट से पकता है, थोड़ा लेट से पकता है। इसलिए हम कुकर में इसे पहले पका लेंगे, उसके बाद हम दूध ऐड करेंगे। तो ये हमारा चावल अच्छे से पक चुका है, जिसका हम प्रेशर निकाल लेंगे और इसको देखेंगे पका है कि नहीं। चलिए देखते हैं। हमें जैसा चावल चाहिए वैसा पक चुका है। तो अब इसे हम हटा लेंगे और दूध गर्म करेंगे। दूध को हमने पहले से भी गर्म करके रखा हुआ था। दूध को गर्म करके रख लेंगे, फिर से हम इसको गर्म करेंगे एक उबाल आने तक। दूध उबलने देते हैं। ब्लैक चावल यानी काला चावल शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों कंट्रोल में रखता है, सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो ये दूध हमारा उबल चुका है। अब इसमें हम पकाया हुआ काला चावल डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे दूध के अंदर। इसका टेस्ट तो ऐसा होता है कि अगर आप एक बार खाएं तो भूल नहीं पाएंगे। व्हाइट चावल का जो हम खीर बनाते हैं उससे भी बढ़िया टेस्ट होता है और सेहत के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए दूध के साथ हम चावल को करीब 5-6 मिनट पका लेते हैं चलाते हुए इस तरह से, ताकि दूध अच्छे से चावल के अंदर घुल मिल जाए और खीर बढ़िया सी क्रीमी हो जाए। अब इसमें चीनी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें आप ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो हम इसमें थोड़ा सा किशमिश ऐड करेंगे और काजू भी। अब हम गैस को बंद कर देंगे और फिर इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। तो अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करें, बनाएं और खाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट।